नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे अभी लंदन में हूं और एक कॉन्फ्रेंस था यहाँ 3, 4, 5 अभी खत्म हुआ है। अभी तो यहाँ लगभग 3 बज रहे हैं दिन के। आपके यहाँ मैं समझता हूँ 8 बज रहा होगा, 8:30 बज रहा होगा भारत में। बहुत लोगों की जिद थी अपने मित्रों की, शिवचंदकों की, कि मैं यहाँ सुन के ले आता हूँ, कुछ कहूँ। पहली बार नहीं आया हूँ, कई बार आया हूँ लंदन, और जब भी आया हूँ तो एक ही बात मैं सोचता हूँ कि कौन सी खास बात है इस मुल्क के लोगों में। इतना छोटा देश है ये कि अगर अनडिवाइडेड बिहार को, अनडिवाइडेड यूपी को हम एक साथ जोड़ दें तो उससे बड़ा नहीं होगा ये पूरा यूके। लेकिन इसके बावजूद इतने छोटे से मुल्क के लोगों ने दुनिया की आधी आबादी पर आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व शासन किया, केवल भारत ही पर नहीं, भारत जैसे अनेक मुल्कों पर। तो मुझे ये सवाल हमेशा से परेशान करता रहा है और मैं जब भी यहां आया हूं तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। और अंत में, अब बातें तो बहुत हैं लेकिन संक्षेप में अपने लोगों को ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के लोगों को, बिहार के लोगों को, वहां के खास करके नौजवानों को, एक ही खास बात है, यहाँ के लोग अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी देशभक्ति है, कूट कूट करके भरी हुई है। और यहाँ के लोग जात के नाम पर आपस में नहीं लड़ते, मजहब के नाम पर आपस में नहीं लड़ते, आपस में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, गली की, नली की, जगह की, जमीन की, दुकान की, मकान की लड़ाई में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते हैं। अब प्रॉपर्टी का महत्व तो यहाँ भी है, यहाँ के लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, एक एक पॉइंट का हिसाब रखते हैं, लेकिन ये लड़ते नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए। इतना अनुशासन है इनके जीवन में, इतना समय का महत्व है इनके जीवन में। तो मैं इसको संक्षेप में ऐसे कहूं कि इनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है, इनमें समय का बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही अनुशासन है, समय की कीमत बहुत ही करते हैं लोग। और तीसरी बात, अनुशासन कूट कूट करके भरा हुआ है लोग, कानून का पालन करते हैं, सबसे बड़ी बात है, ये खुद अपने लिए कानून बनाते हैं और कानून का सख्ती से पालन करते हैं। बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, कानून की मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। आपस में एकदम समानता का व्यवहार है और कोई काम छोटा करे, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो या वो दुकान में मजदूरी करने वाला आदमी हो, वो भी आदमी काम से जब लौटता है और सड़क पर जब चलता है तो यहाँ के किसी बड़े आदमी के बराबरी में वो होता है, कोई भेद नहीं है। तो ये समानता की भावना है, आपस में प्रेम है, सद्भाव है, मोहब्बत है, देशभक्ति है, अनुशासन है, कानून के प्रति इज्जत का भाव है। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं है, माफ कीजिएगा, बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। अनुशासन की कितनी कमी है, वो घर से शुरू कीजिए और समाज तक, और हर जगह आप देखिए, स्कूल में क्या होता है, घर में क्या होता है, गांव में क्या होता है। कानून के लिए या तो दिल में इज्जत हो या कानून का भय हो, तभी शासन चलता है। यहाँ कानून का भय भी है और कानून के लिए लोगों के दिलों में इज्जत भी है। हमारे यहाँ तो कानून की इज्जत करना हम जानते ही नहीं, भय भी बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अनुशासन है ही नहीं। और लड़ाइयां तो छोटी छोटी बातों के लिए होती हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, जात के नाम पर लड़ते हैं, मजहब के नाम पर लड़ते हैं, गली के लिए, नली के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, पानी के लिए, बकरी के लिए, मुर्गा के लिए। और ये अभी मैं लंदन से ब्रिस्टल की तरफ जा रहा हूँ, ब्रिस्टल यहाँ से 100 माइल की दूरी पर है। तो मैं ब्रिस्टल खासकर इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ के महान समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय हुए थे, उनकी कर्मभूमि है ब्रिस्टल, वहां उनकी मूर्ति है, वहां बहुत लंबे समय तक रहे हैं और अपने जमाने के बहुत बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक रहे हैं। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, मैं उनको प्रणाम करने के लिए, वहां हमारे जो मित्र हैं उनसे मिलने के लिए कई सब कारणों से मैं जा रहा हूं। और जाते जाते ये बात मेरे ख्याल में आई और लोगों ने बहुत जिद की भारत से कि आप कुछ वहां से बोलिए, तो मैं बोल रहा हूं और सबको कह रहा हूं कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, लंदन अच्छा होगा, पेरिस अच्छा होगा, अमेरिका अच्छा होगा, कनाडा अच्छा होगा, जापान बहुत विकसित होगा। सब देशों में गया हूं मैं, सबको देखा है मैंने, मैं जब सिविल एविएशन में था
बहुत घूमने का मौका मिला है, लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बाद मैं कह सकता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है। केवल हम जात के नाम पर लड़ना छोड़ दें, केवल हम मजहब के नाम पर लड़ना छोड़ दें, हम गली के लिए, नली के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना छोड़ दें, हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना सीख जाएं, तो हिंदुस्तान से खूबसूरत मुल्क इस पूरी दुनिया में नहीं है। और मैं यहां से इतना ही कह करके अभी रास्ते में हूं, आप देख रहे होंगे वर्षा भी हो रही है, मैं सामने आपको रोड भी दिखा रहा हूं, यहां से आप देखिए ये रोड कितनी अच्छी है। और ट्रैफिक का प्रॉब्लम लंदन में भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत सलीके से नियमों का पालन करते हुए चलते हैं, तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ये ब्रिस्टल जा रहा हूं और आज मैं ब्रिस्टल जा करके और राजा राम मोहन राय जी के मूर्ति पर और जहां वो रहते थे उसका दर्शन करके उनको प्रणाम करके वहां से मैं ऑक्सफोर्ड चला जाऊंगा, क्योंकि